मोदी सरनेम केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सूरत कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई थी। उन्होंने सूरत कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की अर्जी दी थी, हालांकि हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, उसका कोई आधार नहीं है। राहुल गांधी के पास गुजरात हाईकोर्ट के उच्च पीठ के सामने अपील करने का विकल्प बचा है। इसके साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्तमान में 2 साल की सजा मिलने के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है और वह 6 साल तक संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं। यदि आगे भी कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने से भी वंचित रहना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी।